नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि उन्हें महिला आयोग द्वारा एक नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा है कि महिला आयोग का सम्मान करते हैं और कानूनी राय तथा मशवरा लेने के बाद नोटिस का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दो दिन के अंदर अंदर जवाब देने को कहा गया है। दिग्विजय सिंह चौटाला आज अपने आवास पर शीर्ष आवास पर मीडिया से रूबरू हुए। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि नोटिस में कहा गया है कि ठुमके लगाने वाला शब्द किसी महिला का अपमान है, जिसका जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि मैंने किसी भी महिला का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा है कि यह शब्द कई बार टीवी चैनलों पर आमतौर पर दोहराया जाता है और सपना चौधरी ने खुद भी माना है कि वह उसकी एक कला है, तो फिर दिग्विजय सिंह चौटाला के बयान पर इतना बवाल क्यों? वहीं उन्होंने बताया कि दो दिन के अंदर अंदर तय सीमा में नोटिस का जवाब दे दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी कुछ उन्होंने कहा है उनका मौलिक अधिकार है और यह आज भी वह अपनी बात पर कायम है। मैंने अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है, बल्कि नहीं किसी महिला का अपमान किया। उन्होंने कहा कि सपना चौधरी का डांस उसकी नज़र में अश्लील है और भाजपा अगर उसकी इस कला से ऑडियंस मानकर राजनीति में स्थापित करेगी, अगर उस पर कोई राजनीति खेलना चाहेगी तो निश्चित रूप से देश इस पर गर्व में होगा। जबकि मैंने किसी भी अपने बयानों में किसी महिला का अपमान नहीं किया है। वहीं SYL पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों पर उन्होंने सराहना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में कांग्रेस भी SYL के निर्माण के लिए कई बार बयान दे चुकी है। उनके बड़े नेता चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर अशोक तंवर, सभी ने SYL निर्माण के लिए और इसको लेकर के बयान दे चुके हैं। ऐसे में अब तीनों राज्यों को मिलकर शीघ्र ही तारीख तय करनी होगी ताकि हरियाणा की प्यासी धरती को पानी मिल सके और चौधरी देवीलाल का सपना पूरा हो सके। अब देखें पर्पल की विशेष रिपोर्ट। हाँ, मुझे नोटिस रिसीव हुआ है, चंडीगढ़ ऑफिस में मुझे नोटिस रिसीव हुआ और मुझे वो नोटिस मिल गया है। निश्चित तौर पर ऑटोनॉमस बॉडी है महिला आयोग, हम उसका सम्मान करते हैं और उसका जवाब भी देंगे, निश्चित तौर पर जवाब देंगे। दो दिन का समय है, मैं अपने लीगल एडवाइस लेकर के महिला आयोग ने जो नोटिस मुझे थमाया है उसका जवाब दूंगा। मुझे महिला आयोग बुलाएगी मैं वहाँ जाकर के भी जवाब दूंगा। उसमें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया है कि जो ठुमके लगाने वाला जो शब्द है उससे मैंने कहीं किसी महिला का अपमान किया है, जबकि ये तो बात मीडिया के चैनल्स, टीवी चैनल्स जिन पर उनके शो आते हैं और उसके साथ साथ वह स्वयं भी मल्टीपल टाइम्स ऑन रिकॉर्ड ये मान चुकी हैं, जिस वर्ड का मैंने उपयोग किया वो उसको दोहराती नजर आई हैं। उनने कहा है कि मैं, मेरी कला यही है, तो मैंने गलत क्या कहा? तो मैं ये का जवाब दे दूंगा और लीगली टेक्निकली क्या जवाब होगा ये तो लीगल एडवाइस लेकर दिया जाएगा। मगर मैंने जो कहा कि मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी महिला का अपमान किया। मैं सपना चौधरी, क्योंकि वो महिला है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मगर आपने मेरे से एक सवाल पूछा था कि उनने BJP ज्वाइन की, तो मैंने कहा था निश्चित तौर पर अगर ये लोगों के लिए आइडल्स होंगे तो फिर तो राजनीति का बेड़ा गर्क होगा। मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूँ, कल भी था और कल भी रहूँगा। ये हो सकता है देश के हालात ऐसे हैं कि कल मुझे जैसा नोटिस मिला है कल मुझे हिरासत में भी ले लिया जाए, शायद एक दिन मुझे जेल में भी डाल दिया जाए, हो सकता है कि मुझे वो प्रताड़ना भी सहनी पड़े। मगर मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ इस देश का। हम कोई एनार्किस्ट, कोई हिटलरशाही में नहीं जी रहे, कोई ऐसे देश में नहीं जी रहे जहाँ प्रजातंत्र नहीं है। हमें अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राइट टू स्पीच जो दिया है, बोलने का अधिकार, कहने का अधिकार, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी को पसंद आ सकती है, किसी को पसंद नहीं आ सकती बात। हो सकता है ज़्यादा लोगों को मेरी बात पसंद आए, हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को मेरी बात ना पसंद आए, मगर मेरे हिसाब से जो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, सीमाओं में रह करके कहा, सम्मान के साथ कहा, किसी भी महिला का अपमान नहीं किया। मैंने कहा और मैं इस बात को दोहराता हूँ कि इस कला से, जो उनकी कला है, इससे वो राजनीतिक आइडल बने या BJP बनाए तो फिर तो राजनीति का बेड़ा गर्क होगा। मैं आज भी ये बात कहता हूँ। मेरी आंखों में कोई चीज वल्गैरिटी है? प्रतिभा सुमन की आंखों में वो शायद वल्गैरिटी ना हो। मैंने किसी को गाली नहीं दी प्रतिभा सुमन जी,
मैंने किसी महिला के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। मैंने ये कहा कोई चीज मेरे लिए अश्लील हो सकती है, प्रतिभा सुमन के लिए शायद वो चीज अश्लील ना हो। ये प्रतिभा सुमन ने डिसाइड करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठी हैं, वो मुझे ये बता नहीं सकती कि मैं राजनीति में रह करके मुझे क्या तय करना है, क्या कहना है। उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो मुझे नोटिस समा सकती हैं, मैं उनको उनका जवाब दूंगा। देखिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लोग हरियाणा में बार बार ये कहते आए हैं, भूपेंद्र हुड्डा कहते आए हैं, अशोक तंवर कहते आए हैं, कांग्रेस के सभी जिम्मेवार लोग कहते आए हैं कि हम एसवाईएल के पक्ष में हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी भी शायद उनसे और इन बातों से वाकिफ होंगे और वो भी ये मानते होंगे कि एसवाईएल हरियाणा के लिए बननी चाहिए। नंबर टू बीजेपी की सरकार हरियाणा में है जो सदैव कहती आई है एसवाईएल बननी चाहिए। बीजेपी जब यहाँ हरियाणा की कह रही है तो फिर तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों को भी लगना चाहिए कि हरियाणा में एसवाईएल बननी चाहिए। हरियाणा के लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये लाइफलाइन है। जब तीनों सरकारें कह रही हैं, मान रही हैं, तीनों पार्टियां मान रही हैं तो फिर दिक्कत क्या है? अब ये तय होना चाहिए कि वो तारीख कब आएगी जब ये तीनों लोग बैठ करके इस पर फैसला करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्द होगा और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जो सपना हरियाणा के अंतिम छोर तक पानी की उस प्यास को मिटाने के लिए था वो